मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हिंदी क्लास में हम पढ़ेंगे अनुस्वार, अनुनासिक और विशर्ग और संयुक्त व्यंजन। कल हमने पढ़ा था, कल की क्लास में स्वर और व्यंजन आपने देखे थे कि स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33 है। इसके अलावा भी वर्णमाला में कुछ अक्षर आपने पढ़े होंगे जो स्वर और व्यंजन में नहीं आए थे। आज की क्लास में हम उन्हीं वर्णों को पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन से वर्ण हैं जो हमारे छूटे हुए थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार क्या होते हैं और इनका चिन्ह क्या होता है? अनुस्वार का उच्चारण है। कैसे? इसका चिन्ह ये है, ठीक है। अनुस्वार का चिन्ह ये है, ये बिंदी लगती है अंग पर। जब हम इसे बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका उच्चारण नाक की सहायता से किया जा रहा है। जैसे जैसे विचिन्न है ठीक, जैसे क्या होगा अंक पंख, ठीक है। ये अंक की बिंदी लगी हुई है इन सब में। जैसे दंगल जंगल और मंगल, ठीक है। तो मंगल आदि, तो आपने देखा कि अनुस्वार, अनुस्वार का ये चिन्ह है अंग का। इसका उच्चारण नाक से होता है और हमने इसके कुछ शब्द भी लिखे हैं, कुछ शब्द आपको भी आते होंगे इसके। सेकेंड नंबर पर देखिए अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चक्र बिंदु, ठीक है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें हम चक्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे आँख। इसका उच्चारण किसके द्वारा होता है? नाक और गले के, नाक और गले से, अने गले से इसका उच्चारण होता है। अर्थात जब हम अंक लिखते हैं जैसे कि वैसे और गले के साथ इसका उच्चारण हम करते हैं। जैसे पांच, ठीक, और नदियां, मछलियां, मछलियां आदि चंद्र बिंदु के द्वारा बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। और भी कई शब्द हैं जिनमें चंद्र बिंदु लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक का चिन्ह कहते हैं। अगला है अनुस्वार, अनुनासिक, और इसी में एक चिन्ह होता है विसर्ग। विसर्ग ये कहाँ लगता है? इसका विसर्ग का चिन्ह है, इसका उच्चारण होता है, इसका उच्चारण
आपका कोर्स चलेगा, इसके बाद आपकी बुक्स से पढ़ाई होगी। धन्यवाद।